हेलो एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में हम एडिटोरियल और क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर के। तो हिंदू न्यूज़पेपर का पहला एडिटोरियल है बियॉन्ड द कोर्ट्स रेमिट। सो ये उत्तराखण्ड हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया है न्यूज में। 9 दिसंबर की न्यूज में ये था कि उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट टोटल प्रोहिबिशन लाए। टोटल प्रोहिबिशन मीन्स कंप्लीट बैन ऑन लिकर, मतलब दारू पे कंप्लीट बैन लाए 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 से ये इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है जुडिशरी की तरफ से। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इसलिए क्योंकि यहाँ पे चारधाम साइट्स लोकेटेड है जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स है हिंदूज के लिए। तो जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये साइट्स यहाँ है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोहिबिशन लाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे सेल ऑन लिकर को बैन किया, मतलब लिकर सेल नहीं हो सकता, दारू सेल नहीं की जा सकती। पर गवर्नमेंट जुडिशरी अब कहती है कि ज्यादा करने की जरूरत है, स्टेट ने अच्छा किया है पर और करने की जरूरत है, कंप्लीट प्रोहिबिशन लाना चाहिए। और इसी जजमेंट ने उन्होंने कहा है कि इवन गुरुद्वारा जो है उत्तराखंड में, उनके 5 किलोमीटर रेडियस अराउंड देम, 5 किलोमीटर अराउंड देम वहां पे कंप्लीट बैन लाना चाहिए। टोबैको प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं होने चाहिए क्योंकि ये रिलीजियस साइट्स है। तो ये जो ऑर्डर आया है उत्तराखंड हाईकोर्ट का, ये एक्चुअली ऑर्डर किस बेसिस पे था? ये पेटिशन उनके सामने इसलिए आया था कि एक जो लाइसेंस दिया गया था लिकर बार को, दारू बार को, तो ये इलीगल है ऐसा चैलेंज किया गया था। पर कोर्ट ने कहा इस केस में कि नहीं, ये लीगल है क्योंकि वो आउटसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट्स थी। जहाँ पे प्रोहिबिशन ऑर्डर है उसके म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर थी। तो ये बार का लाइसेंस वैलिड है। ये जो जुडिशरी का जजमेंट था इस केस में, और इसी केस में इसको आगे लेते जाते हुए उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं। तो ये एडिटोरियल है, हमने भी न्यूज में डिस्कस किया था कि ये क्या डोमेन कहाँ है। ये जुडिशरी का डोमेन नहीं है। रेगुलेशंस बनाना, उनको लॉज बनाना, ये डायरेक्शंस देना, ये उनका डोमेन नहीं है। उन्होंने इस केस में आर्टिकल 47 को हाईलाइट किया है कि आर्टिकल 47 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का स्टेट, सेंटर, सारे गवर्नमेंट, स्टेट टर्म यूज किया जाता है पॉलिटी में। जब कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट टर्म आता है उसका मतलब सब है, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। तो जो गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाए लोगों में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए लोगों का, उनका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक्शन ले, और कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, दारू और ड्रग्स को प्रोहिबिट करे। तो यहाँ पे ये पॉइंट को, आर्टिकल 47 को हाईलाइट करते हुए जुडिशरी ने कहा है इस बेसिस पे हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं। पर ये आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इसको कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको बोल नहीं सकते कि इस बेसिस पे ये राइट मिलना चाहिए या ये ड्यूटी स्टेट को करनी होगी। तो इट्स नॉन जस्टिशिएबल, मतलब स्टेट के पास जितनी कैपेसिटी होगी वो करे। तो ये सिर्फ डायरेक्टिव्स है, ये इम्पोजेबल नहीं है, कंपलसरी नहीं है स्टेट्स को फॉलो करने के लिए। बट ऑफकोर्स स्टेट्स इनिशिएटिव लेती है, और जुडिशरी ने काफी बार काफी केसेस में इसको रेफरेंस लिया है। पर वो सारे केसेस वो थे जहाँ पे स्टेट ने इनिशिएटिव लिया था, और उस स्टेट इनिशिएटिव को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने के इनिशिएटिव को चैलेंज जब किया गया तो जुडिशरी ने कहा है कि ये आर्टिकल 47 है, इसके अंदर स्टेट ये कर सकती है, उनको करने का डायरेक्शन दिया गया है। पर ये जो केस है ये उल्टा है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो कर रही है, जुडिशरी उनको ऊपर से डायरेक्शन दे रहा है कि और क्या करना चाहिए आर्टिकल 47 के अंदर। तो दिस इज व्हाट इज हाईलाइटेड, दैट ये जुडिशरी का डोमेन है ही नहीं। जब देयर इज क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स के लेजिस्लेचर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगा, तो जुडिशरी बाकी डोमेन्स में क्यों आए? वो जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रहा है। तो वो पॉइंट इस एडिटोरियल में भी हाईलाइट की गई है। इट्स जस्टिफाइड व्हाट द पॉइंट दे आर पुटिंग फोर्थ, मतलब प्रोहिबिशन लाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोहिबिशन लाना चाहिए। तो इनिशिएटिव अच्छा है, पर वो इनिशिएटिव लाना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। ये जुडिशरी अगर हर बात में डायरेक्शन देगी तो यहाँ फ्रिक्शन हो गया। अब जब फ्रिक्शन हो गया वेरियस सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो दे शुड वर्क विथ कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग कि हर एक का लिमिटेशन क्या है, हर एक का रोल क्या है, वो अंडरस्टैंड करके साथ में चलना है। जब जरूरत है तब जुडिशरी बोलती है, लोग उनको सपोर्ट भी करते, बट जब जरूरत नहीं है तभी भी जुडिशरी इनिशिएटिव लेगी तो देन इट विल बी क्रिटिसाइज्ड। तो यहाँ पे जुडिशरी ने यही साल में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि जो जजेस जजमेंट देते हैं उसके अंदर वो लोग अपने आप को पावर्स ना दे, और उसके हिसाब से अपने इंडिविजुअल थॉट्स, परसेप्शंस, नोशंस इम्पोज करने की कोशिश ना करें। तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक कॉशन दिया गया है एक वार्निंग दी गई है जजेस को कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट काफी केसेस में अपना स्टेप बैक भी ले लेती है कि ये हमारा डोमेन नहीं है, हम इसमें एडजुडिकेट नहीं कर सकते। तो जब टोटल प्रोहिबिशन लाने का एक आया था केस कि टोटल प्रोहिबिशन लाया जाए ऑल ओवर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारा डोमेन नहीं है, अगर ये पूरी कंट्री में लाना है तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट को लॉ लाना चाहिए, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टेप्स लेने से गवर्नमेंट साथ में चल सकती है, गवर्नमेंट के सारे ब्रांचेस जो है वो साथ में फंक्शन कर सकते हैं। फिर अगला जो एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर में वो है टर्कीज डीरेल्ड वॉर ऑन टेरर। अब टर्की में कुर्दिश पॉपुलेशन है, ये कुर्ड्स जो है ये एथनिक कम्युनिटी है, और ये सिर्फ टर्की में नहीं है, अजॉइनिंग कंट्रीज में भी है, जैसे सीरिया, ईरान वगैरह, यहाँ पे भी इनका प्रेजेंस है। और ये अपने लिए इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं कुर्दिस्तान, तो उनका ये डिमांड रहा है। और ये जो कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, इनको टर्की ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी करार दे दिया। तो एक है ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसका एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है पीकेके। तो ये पीकेके पार्टी का और एक फैक्शन भी बना है, स्प्लिंटर ग्रुप, तो उसमें से निकला है छोटा ग्रुप। ये टीएके ग्रुप जो है ये ज्यादा रेडिकल है, ये ज्यादा आर्म्स यूज करते हैं, ये पीकेके को क्रिटिसाइज करते कि ये इनका पैसिव स्ट्रगल मेथड है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली भी इस्तांबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जिसमें 44 लोग मर गए। तो ये उन्होंने क्लेम भी किया इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जनरली पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं, ये सब अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स हुए। तो जब ये अटैक्स होते हैं तो टर्किश गवर्नमेंट जो है, रेसिप तैयप अर्दोगन की गवर्नमेंट, वो फुल फोर्स से सारे कुर्दिश लोगों पे आ जाती है। तो कुर्दिश पीकेके को भी उन्होंने पनिश किया है, उसके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, टीएके के अगेंस्ट भी भाग रहे हैं, और जो कुर्दिश पॉलिटिशियंस है उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस खुद अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के, और टर्किश गवर्नमेंट ही सबको एक साथ रख के उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी, तो फिर गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर पाएगी। उनको जो पीस चाहते हैं, जो इनके साथ नहीं है, उनको अपनी तरफ लेना चाहिए। तो पीस प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट किया गया था पीकेके के साथ, तो यहाँ पे पीस टॉक्स चल रही थी, पर गवर्नमेंट ने खुद ने उसको अबेंडन कर दी। तो इस वजह से वो सबके साथ फाइट कर रही है, एक तो कुर्दिश को भी डिवाइड करके उनके साथ, हर एक सेक्शन के साथ भी कुर्दिश के फाइट कर रही है, और इस्लामिक स्टेट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे सीरिया में इनिशिएट हुआ, यहाँ पे वो स्ट्रेंथन हुआ, तब ये टर्की के बॉर्डर पे ही था, पर टर्किश गवर्नमेंट, रेसिप तैयप अर्दोगन गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट ज्यादा एक्ट नहीं किया, वो कुर्दिश के पीछे ही थे और इसको उन्होंने बनने दिया। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि उनका सीरिया के साथ भी झगड़ा है, सीरिया जो है वो सुन्नी मेजोरिटी है, टर्की भी सुन्नी मेजोरिटी है, पर जो सीरिया की गवर्नमेंट है, बशर अल-असद गवर्नमेंट, वो शिया गवर्नमेंट है। तो ये जो शियाज है वो इनके साथ उनका एनिमिटी है, सुन्नी शिया एनिमीज। तो अब ये टर्किश गवर्नमेंट बशर अल-असद के अगेंस्ट है, और इस्लामिक स्टेट है वो भी बशर अल-असद के अगेंस्ट है। तो इसलिए टर्की फिर इनके साथ लीनियन थी कि ये तो हमारे दुश्मन, इनका हमारा, हम दोनों का दुश्मन सेम है। बट इस वजह से मैटर्स कॉम्प्लिकेट हो गई है, आईएस काफी पावरफुल हो गया है, काफी पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, काफी टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए हैं। तो अब टर्की भी जाग उठी है और टर्की आईएस के साथ भी फाइट कर रही है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जब ये माइनर कंसिडरेशंस लेके, इंटरनल खुद के कंसिडरेशंस लेके, जब ये मेजर ग्लोबल इश्यूज बन जाते हैं, ग्लोबल थ्रेट्स बन जाते हैं, तो फिर उनको स्टॉप करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ हाईलाइट की गई है कि अब टर्की सबके साथ फाइट कर रही है, वो सीरिया में भी फाइट कर रही है, क्योंकि जो कुर्दिश रिबेल्स है, कुर्दिश ये यहाँ पे भी लोकेटेड है, तो वो सीरिया में घुस के भी कुर्दिश के अगेंस्ट फाइट कर रही है, इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट भी फाइट कर रही है, कुर्दिश भी इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड नेचर है यहाँ पे पूरे वॉर के, और इस वजह से टर्की कुछ अचीव नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सबके साथ ही फाइट कर रही है, ऐसे हो गया है। तो यहाँ पे वही टर्किश पॉलिसी को, जो डिफेंस पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी, उसको क्रिटिसाइज किया गया, सिक्योरिटी पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि इस्तांबुल जो यहाँ लोकेटेड है, इट्स इन द यूरेशियन रीजन, तो ये यूरोप और एशिया यहाँ कनेक्ट होता है, तो ये इस्तांबुल जो है, जो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था, कैपिटल टर्की का अंकारा है, पहले इस्तांबुल था, तो ये यहाँ पे अटैक करवा दिया जब ये कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस ने, मतलब इनका स्प्रेड कितना फैल चुका है, ये कितना फैल चुके हैं। तो ये भी एक थ्रेट है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी गवर्नमेंट की स्ट्रांग नहीं है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तो ये सब हाईलाइटेड है। फिर अगला हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक। तो आज के लिए हमने दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए। पहला लीड आर्टिकल पे है, क्वेश्चन है जो कॉपीराइट इशू है तो एक्सक्लूसिव राइट कॉपीराइट होल्डर को भी मिलना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट भी अपहोल्ड होना चाहिए, तो दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए, वो एक फिलोसॉफिकल इशू है कॉपीराइट के लेके। और अभी रिसेंटली जो जुडिशियल रूलिंग आया कॉपीराइट इशू के बारे में, उसको डिस्कस करते हुए ये पॉइंट को डिस्कस किया जाए कि बैलेंस कैसे लाया जाए। तो जो रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, ये सिंगल जज में जजमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने डिसीजन लिया, ऑर्डर दिया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फोटोकॉपी हो रहा है वो वैलिड है। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है न्यूज में, ये सितंबर 16-17 को ये न्यूज था कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया। तो सितंबर 16 में आया, 17 में हमने न्यूज में डिस्कस किया। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फोटोकॉपी ऑर्डर था ये था कि यूनिवर्सिटी फैकल्टीज ने कोर्स पैक्स बनाए कि जो कोर्स है उसके लिए क्या मटेरियल यूज करना चाहिए। तो एक पैक है कि थोड़े थोड़े बुक्स में से थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट्स डिसाइड किए गए और इनका पूरा मिला के कोर्स पैक बनेगा। तो ये जो कोर्स पैक है वो ये फोटोकॉपी शॉप है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही, रामेश्वर फोटोशॉप करके, उनको दिया गया कि वो कोर्स पैक्स बनाएंगे। तो ये कोर्स पैक्स बनके फिर सारे स्टूडेंट्स को जाएगा। तो इसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। ये जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स है जिनकी बुक्स को जेरोक्स करके ये कोर्स पैक्स बने, तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये प्रोमिनेंट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस इन्वॉल्व है। तो इनकी बुक्स का जब ये फोटोकॉपी बना है तो उनको ये चैलेंज उन्होंने ये चैलेंज किया है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये सिंगल जज ने ये जजमेंट दिया है कि ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं है क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस के लिए। तो हम इसका डिटेल यूज करेंगे। उन्होंने एजुकेशन फंडामेंटल रखा है कि अगर एजुकेशन पर्पस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट के अंदर भी एक्सेप्शंस होते हैं, तो अगर कॉपीराइट एजुकेशनल पर्पस के लिए, टीचिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है तो उसको अलाउ किया जाता है। पर ये जो है एजुकेशन टीचिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, पर ये सारे स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं तो वो अलग बात है। तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट ये उठाया है कि एजुकेशन फंडामेंटल है, तो जो भी चीज एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए हेल्प करती है तो उसको अपहोल्ड करना चाहिए, वो प्रायोरिटी होना चाहिए राधर देन कॉपीराइट। तो ये जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कि अगर कॉपीराइट हो भी रहा है, ये जो एक्सेप्शन के अंडर ये यूज हो भी रहा है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कि कितना यूज किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटीज बन रही है, कौन सा पार्ट यूज किया जा रहा है। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका में है। सो देयर आर टेस्ट, अगर एक्सेप्शन में यूज किया जा रहा है तो बल्क में नहीं कर सकते। पर उन्होंने यहाँ पे उसको कंप्लीटली डिनाई किया है। अगर कॉपीराइट वायलेशन नहीं हो रहा है और फेयर बेसिस पे ये हो रहा है तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का कोई मतलब नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का मानना है। तो उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है कि फेयर है, अगर एजुकेशन पर्पस के लिए, फेयर पर्पस के लिए है तो कितना भी करो। तो ऑफकोर्स ये थ्रेटनिंग है, बिकॉज अगर कॉपीराइट्स वायलेट हो गए तो पब्लिशर्स फिर अपनी बुक्स लाएंगे क्यों, ऑथर्स को मिलेगा क्यों, वो वर्क क्यों करेंगे, इतने एफर्ट्स क्यों डालेंगे। तो बैलेंस जरूरी है, वो बात है। तीसरा पॉइंट था कि पब्लिशर्स ने कहा कि ये जो फोटोकॉपी बन रहा है ये एक्चुअली एक तरह का पब्लिकेशन ही है, रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, अगर एक्सेप्शन है तो दे कैन रिप्रोड्यूस। तो अभी ये जो कर रहे हैं वो तो एक्चुअल पब्लिकेशन जैसा ही हो गया है, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में कहा नहीं, ये पब्लिकेशन नहीं, ये सिर्फ एक फोटोकॉपी है, तो ये ऑटोमेटिकली पब्लिकेशन नहीं बन जाता है। तो कॉपिंग अलाउड होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जुडिशरी ने कहा था तभी कि अगर पहले हाथ से लिखते थे, रिप्रोड्यूस करते थे, अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो अगर जेरोक्स ले सकते तो जेरोक्स बन रहा है, फोटोकॉपी बन रहा है, तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है, ये फोटोकॉपी पब्लिकेशन नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है। उन्होंने ये ऐसी बात की। इवन पब्लिशर्स ने कहा कि अगर रिप्रोडक्शन है तो एक कॉपी रिप्रोड्यूस होनी चाहिए ना, इतनी बल्क में कॉपी रिप्रोड्यूस कैसे हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोर्स पैक्स को अपहोल्ड करके जजमेंट दिया है। तो यहाँ पे यही है कि जस्टिस होना चाहिए तो बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि कंप्लीट अगर सब लोग कोर्स पैक्स ही यूज करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज जो वो मेजर डोमेन है जहाँ से बुक्स ये सेल होगी, तो अगर स्टूडेंट्स कोई ये बुक्स खरीदेगा ही नहीं, सब कोर्स पैक्स ही सबको अवेलेबल होगा तो ये बुक्स को कौन खरीदेगा। तो फिर जब बुक्स बेची ही नहीं जाएगी तो फिर बुक्स मार्केट में होने का क्या फायदा होगा, फिर कोई नया क्यों बनेगा, मीन्स क्या इंसेंटिव होगा कि कोई ऑथर लिखे इतना जब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कॉपीराइट का कंप्लीट वायलेशन होने वाला है। तो देन एजुकेशन सेक्टर में नथिंग न्यू विल कम आउट बिकॉज इट इज, अगर वो एजुकेशन पर्पस के लिए है तो सब फ्री होगा, तो फ्री में ही होना चाहिए, फिर किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। तो वो सारा बैलेंसिंग नहीं हुआ है। फिलहाल स्टेटस ये है कि पब्लिशर्स ने इस जजमेंट को अपील किया है, तो लार्जर बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इस केस को अब सुनेगी, तो हमको फिर इसके बारे में पता चलेगा। तो वील डिस्कस मोर अबाउट दिस, ये न्यूज में फिर से आने ही वाला है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये इसमें काफी पोटेंशियल है रिलेशन में, पर अभी तक कुछ ज्यादा हम आगे बढ़े नहीं है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि ये रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन हो? तो हमने ये डिस्कस किया आज के न्यूज में भी कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट दिल्ली में विजिट पे है, तो ये विजिट में उन्होंने अग्रीमेंट साइन किए। स्ट्रैटेजिक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो हमने काउंटर टेररिज्म के लिए भी साथ में एक्ट करेंगे, उसके लिए भी एक अग्रीमेंट साइन किया। और मिलिट्री डिफेंस कॉपरेशन हमको स्ट्रेंथन करना है। इवन इंडोनेशिया चाहती है कि उनकी नेवी स्ट्रांग हो ताकि वो अपने टेरिटोरियल इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सके, क्योंकि इंडोनेशिया तो एक आर्किपेलेगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो आइलैंड्स के लिए मेजरली उनको नेवी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो फिशिंग राइट्स वगैरह अपना सेफगार्ड कर सके। तो इंडिया को उसमें उसको असिस्ट करना चाहिए। और इंडिया के लिए भी इंडोनेशिया स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो जो रीजन है वो मेजर ट्रेड रूट्स, सारे स्ट्रेट्स जो है इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स वहां से पास होते हैं। तो इट कनेक्ट्स इवन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, तो ये कनेक्टिविटी भी है। तो इसलिए ये स्ट्रेट्स स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट्स है, रीजन है, इस यहाँ पे हमारा प्रेजेंस होना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इवन वो साउथ चाइना सी में भी इंडोनेशिया का डिस्प्यूट है, जहाँ पे चाइना पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करती है, तो इसमें भी उनको सपोर्ट करना, इंडोनेशिया को सपोर्ट करना और अपना प्रेजेंस रखना हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक स्टेप हो सकता है। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए गए कि हमने जनरली स्ट्रैटेजिकली अपना इनिशिएटिव स्ट्रांगली नहीं रखा है, पर जब अभी चाइना साउथ चाइना सी में इतना स्ट्रांग हो रही है, वन बेल्ट वन रोड ओबोर इनिशिएटिव स्ट्रांगली रह रही है, तो उसके अंदर भी मैरीटाइम सिल्क रूट है जो यही रीजन से पास होता है, मैरीटाइम रीजन इंडोनेशिया से। तो इस ऐसे इनिशिएटिव जब लिए जा रहे हैं, तो हमको भी यहाँ पे स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो ये यहाँ पे इनिशिएटिव इंडोनेशिया के साथ काफी बेनिफिशियल होगा। हमने ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है ये 2005 में इंडोनेशिया के साथ, पर उसको अभी और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फिर अगला जो है पॉइंट वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आर्टिकल कहता है कि ट्रेड स्ट्रेंथन करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। सो जो इंडोनेशिया है वो चाहती है उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तो काफी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं। तो अगर इंडिया इन्वेस्ट करेगी इंडोनेशिया में, तो उनका और स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनेगा इंडोनेशिया में, जिसकी वजह से ट्रेड भी उनके लिए फेवरेबल होगा इन फ्यूचर, और इवन प्रेजेंस रहेगा जो स्ट्रैटेजिकली भी बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो हमको ये इवन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मैरीटाइम कनेक्टिविटी हम ला सकते हैं। चेन्नई और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कनेक्ट होके हम मैदान जो इंडस्ट्रियल जोन है सुमात्रा आइलैंड में इंडोनेशिया में, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेड रूट, इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये सारे इनिशिएटिव, शिपिंग सर्विसेज लाना, ये सब हम कर सकते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया का जो IT है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्ट्रांग है, तो उनका प्रेजेंस यहाँ लाना, यहाँ इन्वेस्ट करना वो बेनिफिशियल रहेगा। और तीसरा है सोशो रिलीजियस कंसर्न्स। तो इंडोनेशिया जो है वो एक कंट्री है जहाँ पे विच हैज द मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, सो इट्स द मोस्ट पॉपुलस नेशन। सो मुस्लिम्स इन एब्सोल्यूट नंबर, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स जो एक कंट्री में वो है इंडोनेशिया। तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में माइनॉरिटी रिलीजन्स भी है। फिलहाल देखा जा रहा है कि इंडोनेशिया में जो इस्लाम, अरबाइज्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम जो प्रोमोट हो रहा है, उसमें वो चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम के रूल्स के हिसाब से रहे। तो ये जो है ये डाइवर्जन है। तो इंडोनेशिया हैज बीन मल्टी एथनिक कंट्री, उन्होंने हमेशा रिलीजियस राइट्स अपहोल्ड किए सबके, तो अभी भी जरूरी है कि ये रिलीजियस राइट्स अपहोल्ड किए जाए। माइनॉरिटीज को कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए वो पॉसिबल हो कि सब साथ में रहे। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया एक दूसरे को कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो इंडिया हिंदू मेजोरिटी कंट्री कैन अपहोल्ड द राइट्स ऑफ देयर माइनॉरिटीज, और इंडोनेशिया जो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है वो अपने माइनॉरिटीज के राइट्स अपहोल्ड करे। तो ये एक बात है। और एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि जो इब्सा फोरम है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सो साउथर्न रीजन है पूरे हर एक कॉन्टिनेंट के, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन में इंडोनेशिया को भी इस ग्रुपिंग में ऐड किया जा सकता है। इंडिया इसमें इनिशिएटिव ले तो उनका भी ये डेमोक्रेटिक डोमेन और बढ़ेगा और इंटरनेशनली भी वो प्रोमिनेंट बनेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है। और लास्टली वो कहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म रिलेटेड भी इंडोनेशिया में टूरिज्म सेक्टर स्ट्रांग है। बाली स्पेशली इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और काफी इंडियंस बाली जाते हैं, टूरिस्ट्स एज सच। तो ये टूरिज्म कनेक्टिविटी बाय पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए, तो इसको भी स्ट्रांगली यूज करना चाहिए। और एक चीज है कि बाली में जो हिंदुइज्म फॉर्म प्रैक्टिस होता है वो सिंपल हिंदुइज्म है, फ्री ऑफ फ्रॉम कास्ट एंड सेक्टेरियन डिविजन, तो इसमें से भी हमको सीखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट टूरिज्म के अलावा बाकी एस्पेक्ट से भी होता है, जैसे स्कॉलरशिप्स दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो इंडियन कंपनीज देती है इंडोनेशिया में, तो उससे भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है एकेडमिक एक्सचेंजेस से। तो ये सारे पॉइंट्स है दो कंट्रीज के रिलेशंस के ऊपर। तो ये है इंडोनेशिया आर्किपेलेगो नेशन, यहाँ पे बाली यहाँ है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं इंडोमान निकोबार आइलैंड्स, और ये फिर सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, आइलैंड्स मिलके ये तिमोर आइलैंड है। अभी कल हमने डिस्कस किया था, कल या परसों, अबाउट ईस्ट तिमोर के जो ये न्यूक्लियर पीस प्राइज विनर थे 1996 के, जिन्होंने पीस लाया था, वायलेंस एंड किया था ईस्ट तिमोर में, उसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था ईस्ट तिमोर में। तो वो उन्होंने कहा था कि यूएन एमओजीआईपी को अलाव करो, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो है यूएन के उनको अलाव करो इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में अलाउ किया जाना चाहिए, इंडिया उनको नई डोमेन देती है, उनको नई राइट्स देती है। तो वो उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स के इंक्लूजन से ही यहाँ पीस लाया जाएगा। तो ये ईस्ट तिमोर जो कंट्री तब न्यूज में आई थी उनके बारे में, तो ये ईस्ट तिमोर यहाँ है। तो ये जो तिमोर आइलैंड है इसके लोअर पार्ट जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये ईस्ट तिमोर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो यही है आज का डिस्कशन। Thank you.